नमस्कार दोस्तों, लीगल अवेयरनेस से जुड़े एंशिएंट एरो के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट रजत सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वारंट के बारे में कि वारंट होता क्या है, इसका कहां-कहां कैसे यूज़ होता है। तो दोस्तों, आप सभी ने कहीं ना कहीं वारंट के बारे में देखा पढ़ा सुना होगा। वारंट एक अधिकार पत्र होता है, जैसे कि अरेस्ट वारंट होता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार। एक रिलीज वारंट होता है, जब किसी व्यक्ति को छोड़ना होता है तो रिलीज वारंट काम होता है। ऐसे ही एक ज्वाइन वारंट होता है, जब कोई जज किसी कोर्ट को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन वारंट होता है। तो वारंट का मतलब हम कभी कभी लगा लेते हैं कि गिरफ्तार करने से है, वारंट का मतलब गिरफ्तार करना नहीं है। वारंट एक अधिकार पत्र होता है जिसके अंतर्गत कुछ शक्तियाँ निर्धारित की जाती हैं। अरेस्ट वारंट जो होता है उसमें आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का अधिकार होता है। आज जिस टॉपिक की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है ब्लैक वारंट, जिसे हम डेथ वारंट भी कहते हैं। इंडिया में डेथ सेंटेंस जब मिलता है उसमें ब्लैक वारंट काम आता है। डेथ सेंटेंस, जब भी हम इंडिया में डेथ सेंटेंस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे फांसी की, क्योंकि इंडिया में फिलहाल फांसी ही एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए डेथ सेंटेंस दिया जाता है। डेथ सेंटेंस कई स्टेप से होकर गुजरता है और तब फाइनल होता है। हमारे भारत में जब डेथ पनिशमेंट दिया जाता है तो इसकी एक जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहले सेशन कोर्ट, यानी निचली अदालत, जैसे हम ट्रायल कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट या सत्र न्यायालय भी बोलते हैं, जब वह किसी सुनवाई को पूरी करने के बाद ये पाती है कि यह व्यक्ति डेथ पनिशमेंट देने योग्य है तो उसको डेथ पनिशमेंट की सज़ा सुना सकती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सत्र न्यायालय अर्थात सेशन कोर्ट के डेथ पनिशमेंट दिए जाने के बावजूद उस व्यक्ति को फांसी नहीं हो सकती, क्योंकि सेशन कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है डेथ पनिशमेंट का वो हाई कोर्ट से कन्फर्म कराना ज़रूरी है। इसलिए CRPC के सेक्शन 366 के अकॉर्डिंग यह सज़ा हाईकोर्ट में जाती है कन्फर्मेशन के लिए। अब अगर हाईकोर्ट उस पनिशमेंट को कन्फर्म कर देता है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में जो अपील जाती है, अगर वह भी खारिज हो जाती है तो वापस से सुप्रीम कोर्ट में ही एक रिविजन पिटिशन फाइल की जाती है। रिविजन पिटिशन अगर खारिज हो गई तो फिर एक अगला आयाम है क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन खारिज होने के बाद एक पार्डन पिटिशन, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के पास जाती है, उसको जिसे आप दया याचिका के नाम से जानते हैं, वो फाइल की जाती है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है कि वह उस व्यक्ति को माफ़ कर दे या फिर सजा को बरकरार रखे। ये पूरा प्रोसीजर है कि इंडिया में किस तरह से फांसी दी जाती है। तो जो ब्लैक वारंट और डेथ वारंट है, जिसका फॉर्म नंबर 42 में पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि किस व्यक्ति को कितने बजे किस स्थान पर किस मुहूर्त में फांसी दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।